आज जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ मेरे द्वारा और डीएम साहब द्वारा आकर के एक मीटिंग की गई, जिसमें बार के पदाधिकारी भी सभी शामिल थे। एक परीक्षा पॉइंट का भी इसे डिस्कशन किया गया था कुछ बिंदुओं पे। इसे बार के पदाधिकारियों ने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि उनकी तरफ से काफ़ी सहयोग रहेगा और वो अपनी बार में इस बात को लाएंगे कि हमारे सुरक्षाकर्मी लोग चेकिंग करें, उनका सहयोग करें। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देख रहे थे हम इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। हमारे कुछ इक्विपमेंट थे उनको बढ़ा करके और उसको कुछ थोड़ा सा आर्म्ड करके गेट पर इसको और सुदृढ़ किया जाए, उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और निश्चित तौर पर हमारे यहाँ ऐसी कोई बात खुल नहीं पाएगी और सुरक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ मुकम्मल है, उसको और सुदृढ़ करेंगे। सपोर्ट में कचहरी में अक्सर देखा जाता है तमाम वो लड़के भी काला कोट और वकील का लगा के चले जाते हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और किसी तरह से रजिस्टर। बातचीत के बाद एक बहुत अच्छी पहल यहाँ पे हुई है बाराबंकी बार की तरफ से। इन्होंने अपने लेवल पे भी एक उड़नदस्ता बनाया है जो लगातार बार में भ्रमणशील रह करके कैंपस में देखेंगे कि अगर कोई यहाँ पर प्रैक्टिशनर नहीं है और वो दिखाई पड़ रहा है उसकी आई डी और खुद भी चेक कर रहे हैं और ऐसी एक केस भी मिली है उस पर हम मुकदमा भी कायम कर रहे हैं। जो भी ऐसा मिला अगर वो अधिवक्ता के बेस में छद्म बेस में दिखाई पड़ता है तो उसके सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी अगर वो अधिवक्ता नहीं है। सर, जो कचहरी परिसर में गाड़ियों को लाना भी परमिट नहीं अवेलेबल नहीं है, फिर भी तमाम अधिकारिता आते हैं अंदर गाड़ियाँ, कहाँ तक ये सही है? पार्किंग की है यहाँ पर, उसको लेके आज डिस्कशन का बिंदु रहा है। अभी वो हमें कोई अच्छी पार्किंग यहाँ मिल नहीं पा रही है, क्योंकि पार्किंग हमारी है वो रोड साइड आ रही है और इतनी ज़्यादा हो गई है कि रोड बंद हो जाएगी अगर मेन रोड पर सारी करें। इसी वजह से अंदर पार्किंग दी जा रही है। एक प्रस्ताव ये लाया गया था कि उनको पास दिया जाए जिसको चस्पा करें अपनी मोटरसाइकिल पर या कार पर जिससे भी आते हैं, इसका अभी उन्होंने कहा कि हम बार में इसका डिस्कशन करेंगे, इसको कैसे क्रियान्वित करेंगे तो आगे बढ़ेंगे।